नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांदरगांव उन्नाव नगर की विभिन्न मस्जिदों में 14वें रोजे की 15वीं तरावीह की नमाज में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। तरावीह की नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन खुशहाली तथा आपसी भाईचारे की दुआएं की गई। नगर के मोहल्ला दरगाह शरीफ स्थित मस्जिद में नायाब शहर काजी हाफिज फिरोज ने मोहल्ला पूरे टोला स्थित मस्जिद महमूदिया में हाफिज जकारिया ने मोहल्ला सैयदवाड़ा स्थित दरगाह यासीनिया की मस्जिद तथा नई मस्जिद सहित नगर की विभिन्न मस्जिदों में 14 रोजे की तरावीह में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। मस्जिद महमूदिया में मुफ्ती अब्दुल वहाब ने कुरान पाक की फजीलत बयान करते हुए कहा कि कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, तभी कुरान का हक अदा होगा। रमजान के महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों का खजाना लुटाता है। उन्होंने कहा कि रोजा रखने का असल मकसद महज भूख प्यास पर नियंत्रण रखना ही नहीं, बल्कि रोजा तमाम इंसानी ख्वाहिशों को नियंत्रित करता है। अंत में मुल्क में अमन चैन और भाईचारे की दुआ मांगी गई। संवाददाता जमीर खान की रिपोर्ट, बांगरमऊ, उन्नाव।